यो 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 भाई लोग, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ यार आप सभी लोग गाइज यार यहाँ पर दोस्तों बहुत अच्छे होंगे और भाई मजे कर रहे होंगे। स्वागत करता हूँ यार मैं आप सभी लोगों का दोस्तों यहाँ पर गाइज आरिश खान की ना हमारे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में। और जैसे कि आपने यहाँ पर पिछले एपिसोड में देखा था, मैं महिंद्रा की अल्ट्रॉस G4 गाइस यहाँ पर जो है चला रहा था, बट अभी फ़िलहाल वो कल डैमेज हो गई थी बहुत ज़्यादा और वो खड़ी है यहाँ पर, इन्हीं के पास दोस्तों आई हुई है ठीक होने के लिए, ठीक है ना। पर अभी इनके पास ना एक गाड़ी आई है फैंटम, ये देख लो, और ये प्योर गोल्ड में फैंटम है दोस्तों। और मैंने कहा यार गाड़ी तो खड़ी है यहाँ पर, चाबी इन्हीं के पास है, मेरा दोस्ती है उसने दे दी मेरे को, रिव्यू बनाना था तो उसके दोस्तों बनता है। फैंटम का लेटेस्ट मॉडल है, इंटीरियर चेकआउट करो, क्या लग्जरी इंटीरियर है दोस्तों। ओके तो इस बार फैंटम को कुछ अलग से दोस्तों यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, पैनारोमिक सनरूफ इस बार नहीं दी गई यहाँ पर, ठीक है, विदाउट एनी सनरूफ। सेफ्टी को बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है मेजर किया गया है, ठीक है ना दोस्तों। तो सेफ्टी के अंदर तो भाई सनरूफ अनरूफ का कोई काम होता ही नहीं। गाड़ी देखो आप एक बार कैसी लग रही है दोस्तों, स्टार्ट कर दो 3, 2, 1। ऑलराइट देन, बढ़िया, ओके, डे टाइम रनिंग लाइट, फ्रंट में इंडिकेटर्स का इतना ज़्यादा कोई रिफ्लेक्शन वगैरह नहीं है, बट अगर मैं धीरे धीरे चलाऊं, बढ़िया, ओके, चलिए दोस्तों चल साइड हो यार। बेसिकली दोस्तों यार ये ना बहुत किसी ऐसे बंदे की गाड़ी है भाई, उतरी भाई साहब, मैंने इसलिए जल्दी वहाँ से निकाली क्योंकि भाई ट्रैफिक जाम था, भगा कर भी मैं देखूँगा, उतरी भाई मैं नहीं चाहता कि भाई गाड़ियों को कुछ हो, इसलिए भाई किसी और की गाड़ी है, इसलिए आराम से ही चला लो भाई दोस्तों, बस जब अपनी होगी ना तब देखेंगे, फिलहाल अपनी नहीं है भाई ये। क्या सही है, चलिए बढ़िया, क्या मस्त गाड़ी चल रही है ना दोस्तों, एक नंबर। हल्के हल्के चलता हूँ, बहुत हल्के हल्के, एक बार ना वॉश करा लेता, उसने बोला भी था यार वॉश भी होनी है गाड़ी, चलिए यहीं पर वॉश करा कर लेकर चलता हूँ ना आगे। बाकी आता हुआ भी करा ही दूंगा, ये भी $15 में ही करता है दोस्तों, वो भी $15 में ही करता है, बट यहाँ पर छोटी मशीन लगा रखी है, वहाँ पर थोड़ी बड़ी मशीन है, क्लीन दोनों जगह से बराबर हो जाती है मेरे ख्याल से, दोनों जगह से बराबर क्लीन होती है। भाई ये जो है पानी मार के निकाल देते हैं बाहर ऐसे ही, वहाँ हवा भी लगती है, बस हल्का सा ना यही चीज़ थोड़ी सी मतलब बस अलग सी लगती है कि मतलब फर्स्ट गियर में पिकअप बहुत अच्छा है नो डाउट, और जैसे गाड़ी है ना जिस हिसाब की कार है, मैं देखना चाहूंगा गलियों वलियों में क्या हिसाब किताब है। हाँ सही है, तेरी तेरी आराम से भाई, पागल होती है पागल, रोल्स रॉयस है दोस्तों। एवरी डे इज ब्लेस्ड, हेल या, बढ़िया,
काफी ज्यादा नॉर्मल उसमें मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ दोस्तों, और मैं चाहता भी नहीं भाई गाड़ी को कुछ भी नुकसान हो, बहुत वो नुकसान मेरी जेब को बहुत महंगा पड़ जाएगा अगर कुछ भी हो गया। ब्रेक अच्छे हैं, टेस्ट कर लिया मैंने। हैंड ब्रेक जो है इसके इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक्स हैं। ओके, रिवर्स वगैरह होने में भी सही है गाड़ी वैसे तो, बस ओके ओके। चलिए बढ़िया, गाड़ी तो देखो दोस्तों बहुत मस्त चल रही है। बहुत मस्त चल रही है, बहुत ज्यादा आराम से भाई, स्पीड भी तो बहुत खतरनाक है इस गाड़ी की। ये गाड़ी ऑफ रोडिंग के लिए नहीं है, इसीलिए मैं इसको ऑफ रोडिंग वाले उस पर लेकर भी जा रहा दोस्तों। यार ये जो गाड़ियां ऑफ रोडिंग के लिए होती नहीं है, अब उनको ऑफ रोडिंग बेफालतू में कराए भी क्यों, पता है गाड़ी की ऐसी तैसी होने वाली है, गाड़ी भी किसी और की है भाई। भाई भाई साहब पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं यार। चलो दोस्तों मैं ना आराम से करता हूँ, आगे से रोड खाली मिलने वाला है वहां पर। राइट गाइस, यहां से आगे से रोड जो है खाली मिलता है। अबे यार उसने मना किया था मुझे भगाने से इस गाड़ी को, कि भाई भगाना मत, चाहे कैसे भी चला लियो बस ट्रेवर भगाना मत, अगर तू भगाएगा ना ये गाड़ी तुझसे कंट्रोल नहीं होगी। ट्रेवर उसने पहले ही कह दिया था दोस्तों मुझे। चले कोई नहीं, वाकई में मैंने किसी की रोल डोर तोड़ दी। इतना बेरहम कैसे हो सकता है तू, सही है दोस्तों। बॉडी लाइन से तो हल्की सी वो ये डैमेज से वो तो ठीक करा दूंगा। बस हल्का सा यार यही है सिस्टम। कर गई 400-500 500 भागती है रोल्स रॉयस ऑटोमेटिक डायमेंशन पर, 500 की स्पीड। तो फिर ब्रेकिंग भी 500 वाली दे रखी है भाई। बैक से टूटी अभी तक, मतलब एक चेन जब आगे घूम रही है ना तो हम इसको बैक नहीं कर सकते दोस्तों। ऑटोमेटिक पे ज्यादा अच्छी चल रही है गाड़ी। चलिए इसको दोस्तों मुझे यहां पर जो है
वो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, अबे यार दोस्तों लिटरली इस गाड़ी का तो भाई मैंने कबाड़ बनवा दिया। पर दोस्तों मुझे ये इस गाड़ी का भाई कबाड़ बना के देना है इसको एक बार दोस्तों, यहाँ पर फिक्स करवानी पड़ेगी तभी दूंगा भाई, वरना तो बंदा मुझे। राइट गाइस, तो अपनी गाड़ी दोस्तों यहाँ पर जो है एक नंबर जो है दोस्तों यहाँ पर बन चुकी है। आप सभी लोग गाइस यार यहाँ पर देख पा रहे हो एक नंबर गाड़ी जो है गाइस यहाँ पर बन गई। तो चलिए इसको चलाते हैं। क्या भागती है दोस्तों गाड़ी, पता नहीं किसको मारा मैंने। देख रहे हो, बट दोस्तों फ्रंट ग्रिल पर इतना इंपैक्ट नहीं पड़ा इस गाड़ी का। सही है, अब नॉर्मल मोड पे चला रहा हूं मैं से, चल भी सही रही है। इस गाड़ी में मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है यार दोस्तों, ये गाड़ी ना सीधी नहीं चल सकती, हुकती बहुत है, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है कार के अंदर जैसी होनी चाहिए ना स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, 500 की स्पीड पर चल रही है अपनी टॉप एंड पर, अगर ठुक जाए इसकी देखो 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 क्या स्टेबिलिटी है इस गाड़ी की। shit, shit, shit. फिक्स तो हो जाती है, सारा सामान मिलता हो तो मैं फिक्स करा दूंगा। चलो हाँ, बस एक चीज कह सकते हो यहाँ पर दोस्तों आप, और वो एक चीज बताऊँ क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, वो एक चीज ये है कि गाड़ी जो है मजबूत बहुत है, एक दरवाजा तक नहीं खुलता। इस बार रोल्स रॉयस ने बहुत बढ़िया काम करा है, प्लस इंजन लाइन से भी गाड़ी को बहुत वी 12 है, 12 इंजन बनाया भाई साहब। बाकी आप प्लीज़ एक बार कमेंट करके अपनी राय मेरे को जरूर से बताइएगा। आई होप कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों, लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो एंड ऑब्वियसली शेयर कर दो दोस्तों के साथ। बाकी मैं मिलता हूँ सबसे लेटेस्ट और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।